नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चुनावी जंग में जीविका दीदी कराएगी जय जय मान, मनोहार में जुटे दिग्गज, किसकी झोली में गिरेगी करोड़ों वोट। अब समाचार विस्तार से, पूरा न्यूज के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कभी घूंघट के पीछे और घर की देहरी तक सिमटी महिलाएं राजद सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से आत्मनिर्भर बनी तो धीरे धीरे राजनीति भी उन पर निर्भर होती चली जा रही है। बिहार में बड़े बदलाव की तस्वीर केंद्रित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के यह आंकड़े दिखाते हैं कि 2014 से पहले राज्य में जीविका दीदियों की संख्या लगभग 17 लाख थी, जबकि 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों की संख्या बढ़कर 130 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। मोदी राज में सक्षम हुई इन महिलाओं का असर ही माना जा सकता है कि 2015 के बाद से मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र के प्रति जागे विश्वास और महिलाओं की जागरूकता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल को अहम माना जा सकता है। पिछले 3 चुनावों में महिलाओं के मतदान संबंधित आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल 56.6% मतदाताओं ने मतदान किया था। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 60.48% रही थी, जबकि 53.32% पुरुषों ने मतदान किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 57.3% मतदाताओं ने वोट डाले थे। इसमें आधी आबादी की भागीदारी 59.58% रही थी। उसकी तुलना में पुरुषों ने 54.9% ही मतदान किया था। वहीं 2020 में 57.3% मतदाताओं ने वोट डाला था। इसमें आधी आबादी की भागीदारी 59.7% रही थी। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी मात्र 54.7% रही। मोदी बना रहे लखपति दीदी। मोदी सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका बढ़ाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जो इसमें बिहार की महिलाओं की संख्या भी अच्छी होना स्वाभाविक है। इसका असर भी इस बार महिलाओं के मतदान पर दिखाई दे सकता है। महिलाओं को लुभाने वाले विकास कार्यक्रम। साल 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजद सरकार द्वारा शुरू की गई विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप भी महिलाएं मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। बिहार आजीविका परियोजना के दायरे में जीविका कार्यक्रम, साइकिल एवं पोशाक योजना और महिलाओं के लिए पंचायत एवं नगर निकायों के चुनाव में 50% आरक्षण राजद सरकार की अहम राजनीति का हिस्सा रही है। इस पहल से लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में लिंगानुपात में कमी आई है। 2014 में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 877 महिलाएं थी, वह 2019 में बढ़कर 892 एवं 2024 में 909 हो गई है। अब असर यह है कि विकास प्रक्रिया एवं निर्णय लेने में इसकी भागीदारी न केवल महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर आने में सक्षम बनाया, बल्कि उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है। विश्व बैंक से ऋण की पहल। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजद सरकार ने 2006-07 में विश्व बैंक से ऋण लेकर की थी। इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके बैंक खाते खुलवाए गए और फिर उन्हें रोजगार के लिए सरकार से आर्थिक सहायता अब भी दी जा रही है। बिहार में जीविका की महत्ता इस बात से साबित होती है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से जीविका दीदियों के कामों की खूब प्रशंसा करते हैं। 40,000 करोड़ रुपए का ऋण। बिहार में जीविका के किसान उत्पादन संघों के उत्पादों की ब्रांडिंग बड़ी कंपनियां कर रही है। गांव में स्वरोजगार के सृजन से लेकर कंपनी तक बनाकर काम हो रहा है। आधी आबादी डेयरी,
फिशरीज से लेकर सेवा क्षेत्र समेत खेती किसानी तक में सक्रिय भूमिका निभा रही है। जीविका के तहत बिहार में अब तक महिलाओं के 10.50 लाख स्वयं सहायता समूहों को लगभग 40 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा दिया गया है।